सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी यार। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स मिलानी। तो यार फरवरी का फर्स्ट वीक आ चुका है और अभी जेई मेंस के ऊपर कोई अपडेट नहीं आई है। इस टाइम पे यार होता गया कि मोटिवेशन एकदम बिल्कुल जीरो लेवल पे जा चुका होता है, पढ़ाई में एकदम मन नहीं लग रहा होता है, टाइम वेस्ट होता है और बहुत ज्यादा नींद हमको आ रही होती है और बिल्कुल हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो इतनी गंदी हो जाती है कि मतलब जो हमने पहले पढ़ा होता है उसके उन टॉपिक्स के ऊपर भी हम कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर देते हैं। तो यार इन सारी प्रॉब्लम से कैसे हमको ओवरकम करना है, ये जो अनसर्टेनिटी अभी जेई मेंस एस्पिरेंट्स के माइंड्स में, जेई मेंस के एस्पिरेंट्स में बनी हुई है, उसको किस तरीके से दूर करना है, किस क्या आप इस क्या आप कर सकते हैं जिससे कि ये जो चीजें हैं इनसे आप ओवरकम कर पाए। क्योंकि हमने जब पेपर दिया था 2020 के अंदर, लाइक है ना 2020 में जब हमने पेपर दिया था तो हमारा पेपर भी पोस्टपोन्ड हुए जाता था, लेकिन डेट्स कभी भी अनाउंस नहीं होती थी कि इस डेट को हमारा एग्जाम होगा। मतलब हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट तो जनवरी में कंडक्ट हो गया था सक्सेसफुली, लेकिन फिर कोविड आ गया था, उसके बाद है ना पोस्टपोन्ड होते होते वो सेप्टेम्बर में आके पेपर कंडक्ट हुआ था, ठीक है, जितना मेरे को याद है हाँ सेप्टेम्बर में हुआ था। तो वो बार बार पोस्टपोन्ड करे जा रहे थे एग्जाम्स को, लेकिन उनकी डेट्स नहीं बताते थे। तो यार इस टाइम पे ना आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि यार आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नोटिफिकेशन आएगा, और आज से 4 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद नहीं तो साल भर बाद, मतलब कभी भी हो, ठीक है, पेपर आपका कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, आप ये मान के चलो कि ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम कंडक्ट ना हो, एग्जाम कंडक्ट होगा, तो आपको सबसे पहला क्लियर माइंडसेट रखना है कि यार एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके अकॉर्डिंग मेरे को अपनी चीजें प्लान करनी है। तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करना शुरू कर दो और उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना के पढ़ना शुरू कर दो। इस टाइम पे बच्चे सोचते हैं कि यार हमको तो बहुत टाइम मिल गया, तो हम थोड़ा सा वेस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ी मूवीज वगैरह भी देख सकते हैं, ये वो कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर आप इस टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं ना यार, तो आपको जब भी डेट्स आएगी ना उससे पहले रिवीजन का काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा, मॉक टेस्ट का काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा। बिलीव मी, अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे और उस टाइम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार वो टाइम वेस्ट कर दिया, उस टाइम पढ़ लेते तो अभी अपन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे होते, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे होते, टेस्ट सीरीज लगा रहे होते, लेकिन वो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो इस टाइम पे आपको ये माइंडसेट रखना है, मोटिवेशन अपने अंदर ये रखना है कि यार मतलब मेरे को पढ़ना ही है, आज नहीं तो कल मेरा एग्जाम होने ही वाला है, मेरे को उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना है, मेरे मेंटर्स को फॉलो करना है, जो वो चीज बताए वो मेरे को करना है, और एएसएपी जल्दी से जल्दी मेरे को अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, एज अर्ली एज पॉसिबल मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद मैं रिवीजन करके कम से कम खूब सारे मॉक टेस्ट भी नहीं तो कम से कम 10-12 मॉक टेस्ट देकर एग्जाम के अंदर जाके बैठूं और 3 से 4 रिवीजन करने के बाद एग्जाम में जाऊं। वो कब पॉसिबल है कि आप इस टाइम को अभी यूटिलाइज करें, इस अनसर्टेनिटी के अंदर नहीं फंसे। जब भी डेट्स आएगी, आज कल परसों जब भी नोटिफिकेशन आएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका अप्रैल के बाद, अप्रैल से पहले अब हो नहीं सकता, कन्फर्म हो गया, और मैं कब से बोले जा रहा हूं कि अप्रैल में होगा, और फाइनली देख लेना आप अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड फर्स्ट वीक के अंदर ही आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, मोस्टली फर्स्ट सेकंड वीक। अब तो मार्च थर्ड वीक की प्रोबेबिलिटी भी जीरो हो चुकी है, वो भी थोड़ा थोड़ा लग रहा था जनवरी के लास्ट वीक में, बट अब तो 100% अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा, उससे पहले आपका पेपर हो नहीं सकता। तो इस चीज को माइंड में रखें कि आपका पेपर होगा, उसके अकॉर्डिंग प्लान करें, टाइम टेबल बनाएं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करें रादर देन वेस्टिंग टाइम, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत हुआ था और फिर हमने आके अगस्त में बहुत रिग्रेट किया था कि यार उस टाइम पढ़ लिए होते तो अभी मॉक टेस्ट दे रहे होते, उस टाइम रिवीजन कर लिया होता तो अभी ये रिवीजन नहीं करना पड़ता। शॉर्ट नोट्स अभी से बनाना शुरू करो क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ये शॉर्ट नोट्स आपके आगे जाके बहुत ज्यादा काम आ रहे होंगे, तो इन सब चीजों को फॉलो करो यार इस टाइम को वेस्ट करने की बजाय, ठीक है। तो ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, आपके जेई मेंस के 10-12 दिन पहले आपको ये दिन बहुत याद आएंगे। अगर आप यूटिलाइज कर लोगे तो खुशी के मतलब ऐसे याद आएंगे कि यार कितने अच्छे दिन थे, और अगर आप इनको अभी वेस्ट कर दोगे तो उस टाइम वो दुख में याद आएंगे कि यार काश उस टाइम पे पढ़ लिए होते। तो रिग्रेट ना हो फ्यूचर के अंदर, इससे अच्छा है कि अभी पढ़ लिया जाए, ठीक है। ये मैसेज मेरे को आपको सबको देना था, मान के चलो अप्रैल फर्स्ट वीक में पेपर होगा, उस हिसाब से प्लान करो, टाइम टेबल बनाओ और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करो, ठीक है यार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछना। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।